नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात चाहे दिल्ली के शाहीन बाग की हो या फिर लखनऊ की या फिर जबलपुर की, हर जगह पर लगातार प्रदर्शन इस कानून के विरोध में और साथ ही साथ इस कानून के समर्थन में भी लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। और इसी के तहत 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन भी मध्य प्रदेश के जबलपुर के आधार ताल स्थित रद्दी चौकी और आधार ताल के बिरसा मुंडा चौक पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया। आपको बता दें कि इस दौरान आयोजित प्रदर्शन में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन तथा विरोध में आयोजित प्रदर्शन के प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई और मामला यहां तक पहुंच गया कि दोनों के बीच में आपस में पत्थरबाजी का माहौल निर्मित हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा पहुंचकर एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में किसी तरह प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी करने से रोका गया और मजबूर होकर पुलिस कर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद किसी तरह क्षेत्र में तनाव को नियंत्रित किया जा सका। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस को गंगा यात्रा की लोगों की गंगा यात्रा की अनुमति जहाँ तक मिली थी वहाँ तक उनको जाने दिया गया, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे या दूसरा जो है पक्ष जो है इकट्ठा था, उनको समझाया गया। उनका कहना यह था कि दूसरा पक्ष भी जो है बैठा हुआ है, उनकी महिलाएँ बैठी हैं और मिशन कर रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं ट्रैफिक में और साउंड हो रहा है, बच्चों की परीक्षा है। तो उनको बताया गया कि उनको अनुमति आज की नहीं है, कब तक अनुमति थी, आगे हम अनुमति लेंगे, उनको भी समझा के उठाएंगे। तो वो तैयार हो गए, तो वापस जा रहे थे तो कुछ जगह से थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है और फिर वो लोग निकल गए हैं और अभी पुलिस बल और लोग सब लोग पहुँचे हैं। पूरी तरह से स्थिति ठीक है और सामान्य स्थिति है और आपके माध्यम से सभी से आग्रह यही है कि दिन है गणतंत्र के दिवस का दिन है और ऐसे दिवस में भी अगर हम उस तरह से करेंगे तो क्या संस्कार भानी से हम क्या मैसेज दे रहे हैं। और सब लोग शांति बनाए रखें, सब लोग शांति बनाने में सहयोग करें। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। सर, इस प्लाट देखते हुए धरने प्रदर्शन को लेकर भी आपने बात कही है कि अब कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी इस मुख्य सड़क के आसपास से। अब हम जो इस तरह की अनुमतियां लगातार डेढ़ दो महीने से ली जा रही हैं, उससे हमारा ट्रैफिक खराब हो रहा है, आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो हम ऐसी कोई भी अब अनुमति नहीं देंगे जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बीमार लोगों को दिक्कत होती है, वृद्ध लोगों को दिक्कत होती है, शासकीय अमले को दिक्कत होती है, शासकीय काम प्रभावित होता है। तो ऐसी अनुमतियाँ अब नहीं दी जाएंगी जो कि इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था को ख़राब करें। बाकी किसी को अगर कोई ज्ञापन देना है, चार लोग पांच लोग आके इस तरह की अनुमतियाँ दी जा सकती हैं क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब तरह के लोगों का अधिकार है, लेकिन हम इस तरह की अनुमतियाँ नहीं देंगे जिसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो या आम जनजीवन पर प्रभाव पड़े। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।